ओम शांति। मेरा नाम धनश्री कासारे है। मैं महाराष्ट्र स्टेट नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव लोहा से बिलोंग करती हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मैं एक नेशनल स्पोर्ट पर्सन हूँ और मैं उशु गेम खेलती हूँ। उशु गेम मतलब कराटे बॉक्सिंग कुश्ती मिक्स मार्शल है, जो अभी नया नया गेम है। और वो मैं गेम खेलती हूँ, उसमें मैंने नेशनल को सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। वो मेरा नेशनल जो है एक पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ है। और मेरा जो दूसरा नेशनल हुआ है उशु का, वो रांची झारखंड में हुआ है। और मैंने एक छोटे से गांव में गांव से लेकर मेरे गांव का नाम लोहा है, और वो लोहा से लेकर नेशनल तक का मैंने सफ़र राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा सफलतापूर्वक किया है। मेरे हॉबीज़, मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब रीडिंग से जो नॉलेज मिलता है वो बहुत कुछ सिखाता है। और मुझे डांसिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ। और ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट होना, उनसे बात करना, उनके जो थॉट्स है वो क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या करना है, उनके बारे में जानना, सबसे फ्रेंडशिप करना, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और मुझे स्पोर्ट में कुछ करना है, इसलिए मैं ज़्यादा तो प्रैक्टिस में ही अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। स्पोर्ट में जब हम हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई भी गेम शुरुआत करते हैं, तब हम जितना फिजिकली स्ट्रांग होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। और जो हम जो मेंटली स्ट्रांग बन रहे हैं वो राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा, मतलब मैंने खेलने से पहले सुबह उठ के या उसे 1 घंटा पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ मेरे माइंड को कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ फिजिकल, उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ और मैं कर सकती हूँ और मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ। मेरे मम्मी और पापा के द्वारा जो ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन है, उसका मुझे पता चला और मैंने उसका गेम में बहुत यूज़ किया है। जब हम गेम का प्रैक्टिस करते हो या गेम खेलते हो, बाउट पे जाते हैं, तब एक अजीब सा डर लगता है कि हाँ हम फाइट खेल रहे हैं, अब क्या होगा, हमने तो इतनी मेहनत की है। तब जब हम बाबाज मतलब एक सुप्रीम फादर गॉड है, उनकी जब याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो हमारे साथ है और विजय हमारा हमारे हाथ में है। हमें बस जाना है और हमारा बेस्ट देना है और खेल के जीत के वापस आना है। मेरा जो जर्नी था एक छोटे से गांव से लेके एक नेशनल तक, बहुत ही डिफिकल्ट गया मुझे। क्योंकि जब हम एक प्लेयर होते हैं तो घर में उतना कंडीशन ठीक नहीं होता है, तो घर में बोला जाता है तुम करो, हम आपके साथ हैं, वो ही हमारी सबसे बड़ी पावर होती है। लेकिन जब करने जाते हैं तब थोड़ा इकोनॉमिकली कंडीशन ये होता है, डाउन होता है। और बाकी के लोग भी बोलते हैं कि नहीं आप ये मत करो, छोड़ दो, आपसे नहीं हो पाएगा। तब एक गॉड पावर होता है हमारे साथ, सुप्रीम सोल, कि वो बोलता है नहीं बेटा मैं आपके साथ हूँ और आपको करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो, मैं हूँ आपके साथ में। और मेरे पापा मुझे एक मुरमुरे बेच के यहाँ तक इतना खर्च करके मुझे आगे लेके गए। और घर में एक हमारे मेडिटेशन का भी पावर रहता था और उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक जाने के लिए। और जब हम छोटे गांव से आगे जाते हैं तो सपोर्ट भी नहीं होता है, टीचर लोग भी बोलते हैं कि करो लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग को एक छोटे से गांव में प्रैक्टिस किया मैंने और वहाँ मेरा कंपटीशन हुआ डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद मैंने गोल्ड लाया डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिवीज़न हुआ है, डिवीज़न में भी मैंने गोल्ड लाया है, फिर
स्टेट हुआ है, ऑल स्टेट में मुझे गोल्ड मिला है वुशु में। और फिर जब मैं नेशनल को गई वहाँ, तो बहुत ऑल इंडिया के प्लेयर्स आते हैं, वहाँ भी बहुत कंपटीशन होता है, और उसमें दूसरा अंक प्राप्त करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है। मेरा प्रयास यही था कि मुझे गोल्ड लाना है और अपने इंडिया को प्रेजेंट करना है, इंडिया के लिए खेलना है। मैं वो आगे चल के करूँगी, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए मुझे जो सुप्रीम सोल होता है, मेरा बाबा, उसने ही मुझे यहाँ तक ये जर्नी करवाई है, और मुझे पता है कि इसके आगे भी वही मेरे साथ होगा, और मैं ये अचीवमेंट करके रहूँगी। थैंक यू सो मच।